ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले फिशरमैन ने एक शार्क को पकड़ा, जिसे फिर बाद में सिडनी के एक्वेरियम में भेज दिया गया। कुछ दिन बाद शार्क की तबीयत खराब होने लगी और तबीयत खराब होने से उसने एक्वेरियम के अंदर उल्टी कर दी और उल्टी में एक इंसान का कटा हुआ हाथ उगला और उस हाथ पर बॉक्सर का टैटू बना था। जब पुलिस ने उस कटे हुए हाथ की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये हाथ एक क्रिमिनल का था जो कि महीनों से गायब था।